है गाइस, मैं हुसैनी शर्मा और शर्मा जी के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं और स्पेशली आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अगर आप भी मेरे जैसे मोटो ब्लॉग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कहीं जाना मत, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप मेरे जैसे कुछ ब्लॉग बनाना चाहते हैं, वो भी बाइक्स पे, तो बाइक पे तो आप सेल्फी कैमरा ऐसे लेके जा नहीं सकते, ठीक है, और ना ही आपके पास इतना बजट है कि आप एक एक्शन कैमरा लेके ब्लॉग शूट कर पाओगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक छोटा सा चीज़ मंगवाया है जो कि आपके बजट में ही है और आप उससे इजीली अपने हेलमेट में कैरी कर सकते हो, ठीक है, और उससे आप भी ब्लॉग बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो लोग बिगिनर्स हैं, लाइक मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं या फिर कोई भी एक ब्लॉग शूट करना चाहते हैं बट उनके पास बजट ना होने के कारण वो नहीं कर पाते, गाइस ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एंड ये करीब करीब 1000 रुपीज में आपका ये सेटअप आ जाता है। आप लोग अगर मोटो ब्लॉग करना चाहते हो तो ये आप परचेस कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कहाँ से परचेस करें, ठीक है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये एक जो माउंट है ये आप मंगवा लेना, और ये ना ही इसमें एक्शन कैमरा की ज़रूरत है ना ही बहुत हाईफाई सेटअप्स की ज़रूरत है। आप इसको अपने बजट में ही सेटअप कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम ओपन कर लेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये माउंट है, और देखा जाए तो इसको पहले हम साइड कर लेते हैं। ये मेन चीज है दोस्तों, और ये बहुत ही हेवी क्वालिटी का है। ये इसका जो प्लास्टिक है इलास्टिक टाइप का है और ये इजीली टूटता नहीं है। आप इसको जैसे चाहो बैंड कर सकते हो, और यही है ये माउंट जिसको आप हेलमेट में इजीली लगा के अपना ब्लॉग को शूट कर सकते हो। देन ये एक छोटा सा स्क्रू है जो कि यहाँ पे लगता है, सेट हो जाता है, और एक छोटा सा मोबाइल होल्डर है। ये ऐसा स्ट्रेच हो के अपने मोबाइल के हिसाब से ये फिक्स हो जाता है। एंड आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी शूट कर सकते हैं एंड लैंडस्केप मोड में भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक है, और दोस्तों ये सबसे बेस्ट पार्ट आ जाता है, अगर ये ना हो तो हमारा इस सब का कोई बात ही नहीं रह जाता। ये मेन पार्ट है इस चीज़ का, क्योंकि ये ना हो तो हम ना मोबाइल को होल्ड कर पाएंगे ना ही कोई एक्शन कैम को। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चीज़ के लिए। और इसका अगर ये सिर्फ आप लेंगे तो इसका कॉस्ट पड़ जाता है कम से कम, नहीं भी तो 200 अराउंड। एंड इसको आप लेंगे तो बाजार में मार्केट में आपको ये इजीली मिल जाएगा, बट ये भी 200 के अराउंड पड़ जाता है। ये भी आपको 150 से 200 के अंदर में मिल जाएगा, और ये 500 से 600 के अंदर में आपको ये बाजार में इजीली मिल जाते हैं। बट अगर ये सब आप मंगाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 800 अराउंड में मिल जाएंगे। और ये मैंने एक छोटा सा माइक परचेस किया हुआ है दोस्तों। मैंने इसको इसलिए परचेस किया क्योंकि जब हम अपने फ़ोन को इस माउंट में कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम हेलमेट में सेटअप करेंगे, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि बिना ईयरफोन के जो फ़ोन का माइक होता है वो एयर को भी कैप्चर करता है और हमारे वॉइस को भी कैप्चर करता है, जिसके थ्रू एयर ब्लास्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं और वॉइस अच्छे से हमें सुनाई नहीं देती हैं। इसलिए मैं इस माइक्रोफोन को मैंने परचेस किया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अपने हेलमेट में इस सब को आप अच्छे से कनेक्ट कर सकोगे। चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपने इस सेटअप को अपने हेलमेट में कनेक्ट कर सकते हैं।
इसको दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे फिक्स कर लेना है, क्योंकि मेरा ये हेलमेट ऐसे नैरो टाइप का, इसलिए अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा है, बट आप इसको टाइट करके अच्छे से फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम इसको लगाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो है इसमें आप GoPro को भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो, और GoPro को डायरेक्ट हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं नॉट के थ्रू, बट फ़ोन कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको फंसा लेंगे। देन इसके बाद हम जो नट है इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे ऐसे। अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में लेना है तो आप उसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं, और आपको अगर लैंडस्केप में लेना है तो आप इसको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो ये अभी फिक्स हो गया है, एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फोन को कैसे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एक डेमो के लिए मैंने एक फ़ोन लिया हुआ है, इसको आप ऐसे इजीली फोन से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करके आप इसको यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हो, फिर ये यहाँ से हिलेगा नहीं। देन आपका हेलमेट रेडी हो गया है मोटो ब्लॉग के लिए। देन इसमें मैंने फिर ईयरफोन को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा छेद किया हुआ है। चेक करने के बाद मैंने ईयरफोन को यहाँ पे ऐसे घुसा दिया। घुसाने के बाद जो ईयरफोन्स के बाकी के वायर थे उसको मैंने इसके अंदर घुसा के यहाँ पे इसको मैंने लॉक कर दिया। फिर एक छोटा सा पार्ट लेके मैं यहाँ पे इजीली इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप अपना मोटो जीपी ब्लॉक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और यूजफुल होगा। सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दोस्तों आप लोग आजकल बिल्कुल ही प्यार नहीं जता रहे हो, मेरे पिछले वीडियोस को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया आपने। सो आई होप कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार जताओगे। सो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।